बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब तस्करों के साथ साथ शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब के तस्कर नए नए तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामले की लखीसराय की कवैया थाने की पुलिस ने एक ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो अपने जैकेट में जेबों में शराब के पैकेट को रखकर तस्करी कर रहा था। कवैया थाना अध्यक्ष द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाबी मोहल्ला के पास एक अधेड़ जैकेट के अंदर शराब रखकर तस्करी कर रहा है, जिसके बाद टाइगर मोबाइल की टीम का गठन किया गया। शख्स को चेकिंग के लिए रोका गया। देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि शख्स के पास 27 पाउच शराब के होंगे, लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो जैकेट के अंदर दर्जनों शराब के पाउच मिले। अब इनकी गिनती की गई तो शराब के पाउचों की संख्या 27 निकली। पुलिस की गिरफ्त में आए शराब तस्कर की पहचान कवैया थाने के पंजाबी मोहल्ले निवासी विनोद साहब के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद साहब। घर कहाँ हुआ? घर लखीसराय पंजाबी मोहल्ले। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आज? चितरंजन से आ रहे थे। खोलिए तो जैकेट अपना। खोल के निकाल दीजिए जैकेट। ये जैकेट खोलिए, बाहर वाला काला जैकेट खोलिए। ये क्या है, ये क्या सिलवाए हैं? सर जरिए है, फ्रूटी भी लाते हैं सर, फ्रूटी का सेवा है सर। हमारे पास सपा है, ये खोलिए। फोटो कॉपियां करा के बोल रहे हाँ।